हमारे इस चैनल नौटंकी तमाशा को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान का बटन दबाएं ताकि सभी नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे बिल्कुल मुफ्त। रात आधी को आए हो तुम किस लिए, कितना धन चाहिए क्यों नहीं बोल। हाँ रात आधी को आए हो तुम किस लिए, कितना धन चाहिए क्यों नहीं बोलते। सोना सुखराज हीरे जवाहर सभी माल असबाब उतारा हम चाहिए। मैं हूँ दिल शेर डाकू भाई महल आ गया, मेरे गिरो को काफी रकम चाहिए। मैं हूँ दिल शेर डाकू महल आ गया, मेरे गिरो को काफी रकम चाहिए। तिजोरी की चाबी किसके पास है। तो जितने धन की जरूरत है ले जाइए। जितने धन की जरूरत है ले जाइए, लो ये चाबी खजाने की देता हूँ मैं। धन की जरूरत है ले जाइए, लो ये चाबी खजाने की देता हूँ मैं। जान लेने से कुछ ना नफा पाओगे और लूटने की खुली छूट देता हूँ मैं। तिजोरी की चाबी किसके पास है, वरना गोलियों से खून डालूंगा। तिजोरी की चाबी
तिजोरी की चाबी दरबारी के पास है। हमारा चाबी इनके तालम न फिट होई। और साथियों जाओ तारा खजाना लूट लो और इसे भी साथ लेकर जाओ। अरे ओ सती सावित्री, काश तू लड़की नहीं होती तो तेरा गोरा जिस्म खरोच कर बर्बाद कर देता, लेकिन नहीं, लड़कियों पर हाथ नहीं उठाता हूँ। लड़कियों पर हाथ उठाने वाला बुजदिल होता है, कमजोर होता है जो लड़की पर हाथ उठाता है। और अभय प्रताप सिंह आएगा भोला व्यापारी, लौंडा जान के लूट लियो, ले हैंग से लूट चुकली मुंडा। चाचियों खजाना लूट लिया, क्या अलमारी पे खत मिला? वो खत हमें दो। ये खजाना लूटते समय अलमारी पर मिला, ये खत मेरे पास रहेगा। अभय प्रताप सिंह ये बता कि पागल राजा कहाँ है? पागल राजा अस्पताल में है, कैफू लगवा सोई। पागल राजा कहाँ है? अस्पताल में नहीं है। झूठ बोलता है, तुम्हारे घर में है साले झूठा। पागल राजा पागल खाने में बंद है। पागल खाने से यहाँ लाया जाए। मारूंगा साले गोली, खरबूजा की तरह खोपड़ी बाहर जाएगी। जाओ लेकर के आओ, क्या भी लाओ। पागल खाने की चाबी हमारे पास है। हमारे पास नहीं है पागल खाने की चाबी। तो क्या क्या निकाल रहा हूँ चाबी, दे दो। जाओ पागल खाने से महाराज को लेकर यहाँ आओ। जाओ ऐसी धनिया गुजर न हो ससुरवा घर ऐसी धनिया गुजर न हो ससुरवा घर जाके साथियों जैसा सुना था वो सत्य है। साथियों जैसा सुना था वो सत्य है। पकड़ लो पागल राजा को, पकड़ लो और ये खजाना ले लो। मैं वैसे का चीफ मिनिस्टर हूँ, मैं न्यू दिल्ली जा रहा हूँ। इस वक्त मैं हेलीकॉप्टर में बैठा हूँ। चलो पागल राजा को, चलो साथियों चलो। अभय प्रताप सिंह जा रहा हूँ, दोबारा फिर आऊंगा तमाम शवों की मौत के लिए और भागने की कोशिश की या चालाकी दिखाने की कोशिश की तो ये मत भूलो जिस जगह पे खड़े हो उस जगह पे बारूद है। जरा इशारा किया तो भूल जाओगे।
वो देखो सामने कौन आ रहा है, कौन आ रहा है। अबे सॉरी, गलतियां तो तेरी हैं। हमारी नहीं है, इनकी है। मैं यहाँ सुहाग रात मनाने के लिए आया था। अच्छा, पिस्तौल मैंने दरबार में छोड़ दिया। हाँ, अगर के पिस्तौल मेरे पास होती तो रोवा उखाड़ लेते हो और इस डाकू कमीने का नामो निशान मिटा देता। वही लाए के पैदा भाई है दरबारी। क्या करे दरबारी, क्या देखते हो? हाँ। उठाओ बंदूक और इसका पीछा करो। अभी बंदूक ले आ रहा। और ये भाग करके कहाँ जाएगा? राजकुमारी जी, बहुत जल्द दिल से तुम्हारी नजरों के सामने होगा। मंत्री जी, डाकू दिलशेर सिंह मेरे रास्ते का रोड़ा बन गया। जितनी जल्द हो सके इस कमीने को मिटा दो इस दुनिया से। बहुत जल्दी इस कांटे को रास्ते से साफ कर दूंगा। मैं जा रहा हूं। जाइए, क्या देख रहे हो आप? सिपाही राजकुमारी जी, ये बता कि जिस वक्त डाकू दिल से रहा उस वक्त तू कहां था? हम हुए नहीं, गेट पे थे। और गेट पे जैसे ड्यूटी दे रहे थे, अचानक कमरे के अंदर घम से आवाज हुई। हमने सोचा कि क्या हुआ, वही पता लगाए आए और देखा साला डाकू दिलशेर आ गया। हराम कौर, तेरी वजह से डाकू दिलशेर इस रात महल के अंदर आया है। आया है? नहीं तो तेरी ड्यूटी गेट पे लगी हुई थी। तेरी बंदूक क्या हो गई? तेरी बंदूकिया ले रहे, हम कहीं पता नहीं कहा साला सुहाग रात में घम घम हो रहा, वही पता लगा हुए आए गए। सिपाही, हाँ, आज मेरी सुहाग की रात आई थी, कल मेरी मरण की रात आएगी। हाँ। डाकू दिलशेर किसी भी कीमत में जिंदा नहीं रहना चाहिए। नहीं रहेगा। जिंदा या मुर्दा, हाँ, 24 घंटे के अंदर मैं नजरों के सामने हाजिर करूँ। अपने साथ सिपाहियों को ले लो। हाँ। और चारों तरफ पहरा लगवा दो। हाँ। किसी भी रास्ते से डाकू दिलशेर निकलना नहीं चाहिए। और सुनो, हाँ, सिपाहियों को लेकर के, हाँ, रोहिणिया से लेकर कप्तान की प्रवाह तक, कप्तान की प्रवाह से लेकर कटेहा तक, कटेहा से लेकर कुचरिया तक, पहरा लगवा दो। बहुत अच्छा, तलवम पूरे पहरा होना चाहिए। पूरे तलवम जाल बिछवा देंगे, साला डाकू आएगा वहीं फंस जाएगा। डाकू दिल से अगर चिंता नहीं मिला तो मुर्दा लेकर आना उसे, अगर ना आया तो खाल खींच करके भूसा भरवा दूंगी। साला डाकू ऐसे मौके पे आ गया यार, हम भी मजा लेने जा रहे, साला डाकू आ गया। लेकिन तबहनिया बंदूक नहीं रही, या बंदूक ना या गन मशीन है। एमा आगे इतना छेद कर पीछे पूरा भमक्का बनावत है। आओ अब साले, ये इलाके में डाकू दिलशेर रही या मुनोचवा रही? आओ साले डाकू, तेरी पैंजी फोजी मारू। आज आए तो तुम, नहीं आए तो हम। ओ माय गॉड, धरती फाट गई। ये तो कहो बंदूक के नाल नीचे का रहा, अगर ऊपर कहो तो नीचे से गोली ऊपर की निकलत। नो टेंशन, दुनिया में रहना टेंशन देने को, टेंशन लेने को नहीं। अबे तो 5 गोली है, 5 गोली में तो तुम्हारा शरीर छेद दो। आओ साले आए तो तुम, नहीं आए तो। प्रभु ये क्या हो रहा है? खटका हुआ हाथियां, गोली अपने आप ही दग रही है। 4 गोली बची, कोई बात नहीं, 4 गोली में तो अचार ढील कर दे। आओ साले आए तो तुम, नहीं आए तो हम। प्रभु ये क्या हो रहा है? 3 गोली बची। हे शंकर भगवान, हे तेरी टांग वाले बप्पा, हे सूर्य नारायण देवता, कहाँ घुसे हो? आज हमका बचा लियो भोलेनाथ। अगर बच गए तो तुम्हारे नाम के गांव में पांडु सेवाला बनवाओ, चाहे मार्टिन के बनवाए।
आओ साले तीन डाकू तीन गोली एक एक गोली सबका खवाओ। आओ साले आए तो तुम नहीं आए तो हम। प्रभु दुइन बची दुइनों गोली झोली मन है। कोई बात नहीं दुई गोली दुई जने तो मिरोर बै करब। आओ साले आए तो तुम नहीं आए तो प्रभु एक है बसी वहू दगे की मिशो यार। कोई बात नहीं अगर गोली न दगी तो कुंदा से मारब। आओ साले आए तो तुम नहीं आए तो साथियों पांडोशर पागल राजा खो साथियों देखा वहां का नजारा। बाप पागल है और बेटी सुहाग रात मना रही है। क्यों है सरदार ऐसी लड़की को जन्म लेते ही मर जाना चाहिए। ओ साथियों जा रहा हूं मैं एक काम पे। साथियों जा रहा हूं मैं एक काम से और देखना न को ना कोई तकलीफ। ओ कोई तकलीफ नहीं जो कुछ लिखा उसकी तकदीर हो। साथियों खजाना लूटते समय जो ये पत्र मिला है ये बड़े काम का है जो तुम लोगों के हाथ लगा। सरदार जी इस खत में क्या लिखा हुआ इसका मजमून जानना चाहता हूँ। इसका खत का मजमून जानना चाहते हो? क्यों नहीं सरदार जी? इसमें क्या लिखा है? सुनो लिखा मजमून ये इस खत के दरमियान भद्री से नप सुभट का भाई अंडमान असे और भद्री से नपु सुभटी का भाई अंडमान असे मझारी और बेटी उसकी मधु मंजरी राजा की सुकुमारी। और बेटी उसकी मधु मंजरी राजा की लिखी बातें सारी। हरण किया उसने किशोर का लिखी बातें सारी और भेद योगी में जाऊंगा इच्छा प्रबल हमारी। और भेद
प्रबल हमारी। ज्ञान राजा पे रखना और काम बसे इतना करना। अलख है जगाऊं जाकर बिना कुंवर को साथ लिए, ना मुंह दिखलाऊं आकर। सरदार जी, इस लेटर के जरिए ये साबित हो रहा है कि वो लड़का अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंदर है। महाराज भद्रसेन की इकलौती बेटी जिसका नाम मधुमंजरी है, उस लड़के को अपने बस में कर रखा है। अपना भेद योगी का बना करके अंडमान निकोबार द्वीप समूह जा रहा हूँ। बहुत अच्छी बात है। जब तक उस लड़के को खोज नहीं निकालूंगा वापस नहीं आऊंगा। लेकिन याद रहे, महाराज को कोई कष्ट नहीं देना। कोई कष्ट नहीं होगा। अगर इन्हें कुछ हो गया तो मेरी मेहनत बेकार हो जाएगी, इसलिए महाराज का जिंदा रहना बहुत जरूरी है। बहुत अच्छी बात। अड्डे का ख्याल रखना। ख्याल रखना। आज कोई दुश्मन अड्डे की तरफ कदम बढ़ाता है तो उसे गोलियों से गोलियों का निशाना बनेगा। नहीं, अपने अड्डे का पता उसे मालूम हो गया तो हम लोगों की जान खतरे में पड़ जाएगी। एक बार माँ भवानी का नारा लगाओ और हम यहाँ से कूच करें। जय माँ भवानी। जय माँ भवानी। जय माँ भवानी।